मारुति 800 देख लो। अच्छा ये बूफर रखा हुआ है 2.1 वाला, थोड़ा सा खुला हुआ है। इसका पैनल ये रखा हुआ है, इसको खोल दिया है, ये देखो अभी इसका बेस चल रहा है ओनली। ये देखो गाना बज रहा है यहाँ से, वॉल्यूम कंट्रोल है, अच्छा अभी इसके साउंड सुनाता हूँ, तो इसके लिए मैं एक इसके वायर जोड़ लेता हूँ पीछे तो। और एनसीएस का म्यूजिक चलाना पड़ेगा क्योंकि ये वाला चला नहीं सकते, तो ये थोड़ा चला के दिखा दे दूँगा मैं स्पीकर पे। गाना बंद कर दिया, अभी मैं इसको बीट को थोड़ा पीस करके लगा लेता हूँ उनको। तार लगा दी, एनसीएस का म्यूजिक चला लेता हूँ क्योंकि अब तो मोनेटाइज ना कर क्या। भाई से भाई बोल रहे थे कि यार नहीं चलेगा, देखो यार चलता है। अब इसको अंदर में खोल के भी दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। वॉल्यूम कम हुआ, अब इस पैनल को खोल के दिखाता हूँ, इसमें कुछ देख लीजिए आप कैसे क्या किया मैंने। बेस भी सुन लिया आप लोगों ने, अभी मैं दिखाता हूँ इसका पैनल खोल के। तो देख लीजिए इसको मैं ऑन कर दूँ क्या, देखो मैं इसको सॉन्ग भी चला देता हूँ। कहाँ से बाहर निकल गया भाई, सॉरी पिंकलर लगा दी। ये बेस सुन रहे हो, बेस आ रहा है, एनसीएस का म्यूजिक है। ओ नो नो नो, ये कोई और लग गया, ये लगा एनसीएस, देख लीजिए। देख लो इसमें क्या जुगाड़ है, तो ये इसके आ रहे हैं पावर, ये है पावर, ठीक है ये स्विच लगा हुआ है। अब यहाँ से क्या किया मैंने 35 UF वोल्ट के 22 UF के दो कैपेसिटर ले लिए, देख रहे हो 35 वोल्ट के दो कैपेसिटर, और दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, मतलब इसका माइनस और इसका, मतलब इसी कैपेसिटर का प्लस और इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, दोनों को आपस में जोड़ दिया, इधर से माइनस निकाल दिया, इधर से प्लस निकाल दिया, और बीच का आपका हो गया 0। तो जब जो 12 0 की जो वोल्ट आ रही है बैटरी से, 12 0 की जो वोल्ट आ रही है उसका माइनस इस माइनस में दे दिया और उसका प्लस इसमें दे दिया, बैटरी का प्लस इसमें और माइनस इस वाले में, प्लस इसमें माइनस इस वाले में, और बीच वाला आपका हो गया 0। इसको सीधा जा कर के यहाँ जोड़ दिया मैंने, इसमें यहाँ पे प्लस माइनस देखना है आपको कैपेसिटर पे, बैटरी के प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल को यहाँ देखना है, बाकी इधर कुछ नहीं देखना है, इधर तो आपको सीधा लगा देना है, इधर आपको सीधा लगा देना है, इधर प्लस माइनस देखना है,
इधर माइनस लगा हुआ है, इधर प्लस लगा है बैटरी का, बीच में से अपन ने जीरो निकाल दिया, दोनों को यहाँ लगा दिया और कुछ नहीं करना है इसमें, जैसा बोर्ड है वैसा ही रखना है, सेम वर्क करेगा, कोई हीटिंग प्रॉब्लम नहीं है, मैं पकड़ रहा हूँ, कोई हीटिंग प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत जैसे नॉर्मल वूफर हीट करता है वैसे ही है, बाकी सिंपल सी ट्रिक है। इसकी जगह अगर आप बड़े कैपेसिटर लगा दोगे, जैसे 2200 mUF का है, इसमें 76 मतलब इससे बड़े जो भी आते हैं तो उनको आप लगा दोगे तो और अच्छा बेस इसमें निकलेगा, बेस निकलेगा साथ ही साथ साउंड भी आएगा, ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर से इसको देख ले सुना के दिखा देता हूँ आपको, देखिए बिल्कुल बेस आ रहा है। अभी मैं इसमें जैसे स्पीकर के वायर लगा देता हूँ, इस बोर्ड में जुगाड़ में चल रहा है फिलहाल, तो ये इसकी स्वागत मोड खत्म हुआ, मार्केट में आपको जहाँ भी लगाना है लगा लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पावर कॉन ऑफ का हो गया। तो भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, बाकी भाई लोग कह रहे थे कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो देख लीजिए चला के दिखा दिया, 2.1 का होम थिएटर है, आप 4.1 में भी लगा सकते हो, 5.1 में भी लगा सकते हो, किसी में भी लगा लो कोई टेंशन नहीं है, बस कैपेसिटर आपको बड़े लेने पड़ेंगे, यहाँ 2200 mUF के लिए मैंने आपको इससे बड़े लेने पड़ेंगे थोड़े से, है ना, तो आपका चल जाएगा, ठीक है, थैंक यू भाई।